हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे यूट्यूब ने एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, क्यों मेरे वीडियो पर स्ट्राइक मिला है, ऐसा क्या गलती की जो इसके लिए मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मैंने जो गलती की है आप वो गलती मत करना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी इसके बारे में जाने। मैंने जो गलती की आप वो गलती रिपीट मत करना, नहीं तो आपका जो चैनल का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब हो जाती है। अभी मेरा चैनल का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब है। जब से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है तब से मेरा चैनल का जो परफॉर्मेंस है वो और भी खराब हो गया है। हुआ यू कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो इन द गैलरी। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर लाखों पड़ा हुआ है, बट यूट्यूब ने मुझे ही क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया। इसका रीजन ये है कि मैंने कुछ मतलब उन लोगों का जो रूल्स एंड पॉलिसी होता है उसको वायलेट किया था। उसका वायलेट ये किया था कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वहाँ पर मैंने एक लिंक दे दिया था, जैसे कि होता है ना कि YouTube डाउनलोडर या फिर वीडियो डाउनलोडर, तो मैंने वीडियो डाउनलोडर का लिंक दे दिया था YouTube पर, जो कि वो YouTube पर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। थर्ड पार्टी का आप वहाँ पर नहीं दे सकते, मैंने एक लिंक दे दिया था। इसी कारण YouTube ने मुझे हार्मफुल कंटेंट करके मेरा चैनल को मेरा वीडियो को रिमूव कर दिया चैनल से, और मुझे एक उस दिन सिर्फ बस मुझे कम्युनिटी वार्निंग दिया, स्ट्राइक नहीं दिया। मेरा फर्स्ट टाइम था इसीलिए मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, यही वो वीडियो है जिसको मैंने अपलोड किया था और फिर इसको इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब की वीडियो को कैसे हम अपने फोन की गैलरी पर या फिर अपने मेमोरी कार्ड पर सेव कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टीवी ग्राफिक्स योर कंटेंट वायलेटेड यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन एंड हैज बीन रिमूव। यही वो वीडियो देखिए, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो इन द गैलरी 2020। इसी वीडियो को मैंने अपलोड किया था और यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, आवर टीम हैज़ रिव्यू योर कॉन्टेंट एंड अनफॉर्चुनेटली वी थिंक इट वायलेट आवर हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी, वी हैव रिमूव द फॉलोइंग कॉन्टेंट फ्रॉम यूट्यूब। इसी वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, मैंने यही वीडियो अपलोड किया था। तो अगर मैं इसके लिंक को क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखिए अभी यूट्यूब में वो वीडियो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस वीडियो हैज बीन रिमूव फॉर वायलेटिंग यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन। उसके बाद मैंने एक और गलती कर दी, ये जो कि मेरा बेवकूफ़ी के कारण हुआ है। मैंने क्या किया, जो बिग बॉस सीरियल आता है ना, बिग बॉस सीरियल आया था उसका कुछ कंटेंट को मैंने डाउनलोड करके उसमें कुछ एडिट करके मैंने अपना वॉइस ओवर देके अपलोड किया था। सोचा था कि ऐसा करने से उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उस वीडियो पर मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था, तीनों वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। एपेक्स सॉफ्टवेयर की तरफ से तीनों वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और मेरा ये तीनों वीडियो को रिमूव कर दिया गया है और मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना अभी ईमेल खोल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ईमेल आया यूट्यूब की तरफ से। ये देखिए यूट्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस, सम ऑफ योर वीडियो हैव बीन टेकन डाउन फ्रॉम यूट्यूब। ये वो वीडियो है, ये वो सीरियल है जिसको मैंने अपलोड किया था, बिग बॉस का जो क्लिप था जिसको मैंने अपलोड किया था और मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है। यहाँ पर देखिए, हाई टीवी ग्राफिक्स ड्यू टू कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी हैव रिसीव, वी हैव टेकन डाउन द फॉलोइंग वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। टाइटल दे दिया है और ये देखिए 3 टेकन डाउन इशू बाय एपिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्ट्राइक दिया गया है और मेरा इस चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया है। और ये देखिए यही 3 वीडियो था, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो देखिए वीडियो अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। ये देखिए दिस वीडियो इज अनअवेलेबल। इसी तरह से तीनों वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। और यहाँ पर देखिए यूट्यूब ने क्या लिखा है, यू हैव रिसीव ए कॉपीराइट स्ट्राइक, यू नाउ हैव 1 कॉपीराइट स्ट्राइक। अभी मुझे 1 एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है और आगे लिखता है कि इफ़ यू गेट मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक वी विल हैव टू डिसेबल योर अकाउंट। अगर मुझे और एक या दो कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा तो मेरा चैनल को यूट्यूब बंद कर देगा हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है, टू प्रिवेंट डेट फ्रॉम हैपनिंग प्लीज डू नॉट अपलोड वीडियो कंटेनिंग कॉपीराइट कंटेंट डेट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़। मतलब रीयूज कंटेंट को उसने यूज़ करने के लिए मना किया है। सो आप इस तरह की गलती आप कभी भी मत करना। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो यूट्यूब ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये रीयूज कंटेंट है तो इसको यूज़ नहीं करना है। और नीचे में दिया भी है कि अगर ये आपका खुद का वीडियो है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मैंने ये दूसरों का वीडियो डाउनलोड करके यूज़ किया था तो क्लेम करके फ़ायदा नहीं है। अभी मेरा चैनल में एक कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग है और एक एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है। इसी के कारण मेरा जो चैनल का परफॉर्मेंस है अभी बहुत ही ख़राब हो चुका है। बस यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी और का वीडियो या फिर किसी दूसरी जगह से वीडियो अपलोड करके अपने चैनल में मत डालो, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप खुद अपना कंटेंट डालो, मैंने जो गलती की है आप वो गलती मत करना। आप जितना भी दूसरों का कंटेंट डालोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों
लोगों ने क्या किया, दूसरा यहाँ से वहाँ से वीडियो उठा के, गाना वीडियो उठा के अपलोड कर देता है, बट जब चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है ना, जब रिव्यू के लिए जाता है, वो सब रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो रियूज कंटेंट है। रियूज कंटेंट यूट्यूब पर एकदम अलाउ नहीं है, आप वो करना ही मत, नहीं तो आपको फिर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जितना हो सके आप अपना खुद का कंटेंट डाला करें। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।